फुल एंड फाइनल 3.5 है, 3.5 लाख से कम नीचे नहीं। ठीक हो गया। मैं इसका फर्स्ट ओनर हूँ। आप फर्स्ट ओनर हैं जी। फिर तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका भाई है संडे कार बाजार, आपको सस्ती सस्ती गाड़ियाँ दिखाने। तो लास्ट वीडियो यार मैंने बनाई थी गुजरांवाला की, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज मैंने सोचा भाई लाहौर की मार्केट आपको दिखाते हैं और सस्ती सस्ती गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। तो अभी आज की वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो में आपको लगता है यार कोई कमी पेशी है, कोई चीज़ हमें और ऐड करनी चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई वो चीज़ें ऐड करेगा। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट कार आपका शेयर करने वाले हैं संडे कार बाजार में, ये टोयोटा क्रोना है और इसकी मुकम्मल रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं, ओनर से बात करते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करते हैं, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है और ओनर इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं। बकाया आपको एक मैं इसका वॉक ओवर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ओनर से डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी बैक साइड से भी गाड़ी जो है ना वो देखते हैं और अभी ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र। अच्छा सर, कौन सी गाड़ी है आपकी? ये टोयोटा क्रोम है भाई। क्रोम है? हाँ जी। तो ये कौन सा मॉडल कौन सा है? ये 96 मॉडल है। अच्छा 96 मॉडल है, सही है। तो कितनी चली हुई है ये? तो बहुत चल गई है, 1000 से बात है, पुराना मॉडल है तो बहुत चल गई है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा ये इसका अपना इंजन पे है या इंजन इसका चेंज हुआ? अपना इंजन है। अच्छा अपना इंजन है। तो बताया गाड़ी मैकेनिकली कैसी है? सब सही है, ओके है, चला के देखो भाई। आप कितने ओनर हैं? आपने आपको कुछ आइडिया है कि आप कौन से ओनर हैं? कितने ओनर आप? फर्स्ट ओनर हैं आप? हाँ। आपने बाई की थी? हाँ। क्या बात है, फिर तो बड़ी पुरानी गाड़ी आप रख रहे हैं, तो सेल क्यों कर रहे हैं? हाँ बस अभी हमने कोई और गाड़ी लेना है ना, इसलिए बस। चले बेहतरीन हो गया। तो क्या डिमांड आप कर रहे हैं? ये 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं? हाँ। लाहौर के नंबर पे रजिस्टर्ड है? नहीं, इस्लामाबाद। अच्छा इस्लामाबाद के। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके सारे क्लियर है? सारे क्लियर है। आपके पास फाइल वगैरह सारा कुछ? फाइल नहीं, फाइल इसकी दफ्तर में जमा होती है। ठीक है। और इसका कॉपी और स्टाम्प्स हर शे हमारे पास। सही होगा। बाकी यानी कि जो रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट इसके, हाँ, वो सब आपके सब लीगल तरीके से अवेलेबल है? सब क्लियर है। तो 10.5 लाख रुपए आप डिमांड कर रहे हैं, आप दे कितने तक दे देंगे? हैं कितने तक ये दे देंगे? कुछ लाख कम कर लेंगे, 9 में दे देंगे फाइनल। तो ये आउटर साइड इसकी मेरे ख्याल से शावर होगी क्योंकि जाहिर सी बात है पुराना मॉडल है। काम तो बहुत इसका हुआ। तो इनर साइड से भी आप देख सकते हैं। बकाया यार अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 0303 7386 786। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे खड़ी होती है? ये ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सो गाइस आपके साथ मैंने ये गाड़ी शेयर कर दिया, आप इसकी इंटीरियर साइड भी देख सकते हैं यार, काफ़ी बड़ी गाड़ी है और आपको 10 लाख रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके जो टायर और रिम की कंडीशन है वो तो बिल्कुल न्यू है, अलॉय व्हील लगे हुए हैं और बकाया गाड़ी यार आउटर साइड से तो शावर है, काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह हुए हुए हैं लेकिन इंजन वाइज गाड़ी जो है ना वो अपनी ओरिजिनल हालत में है, उन्होंने हमें बताया है। तो आप इसकी यहाँ से साइड से भी इसकी लुक वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप ओनर से रब्ता करके इस कार को परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट कार आपसे शेयर करने वाला हूँ ये हुंडई सेंट्रो है, 2006 का मॉडल है, क्लब हुंडई सेंट्रो क्लब, और इसकी गाड़ी की जो कंडीशन वो मुझे लग रही है काफ़ी ज़बरदस्त है। बकाया आप ओनर से जानते हैं कि ये गाड़ी जेन्युइन है, आउटर साइड से शावर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ओनर से बात करके आपको बताते हैं। बकाया यहाँ पर आप गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं और मैं आपको एक इसका ओवर वॉक दिखा दूँ, यहाँ पर आप इसके चेक कर सकते हैं कंडीशन वगैरह। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौन सी गाड़ी है आपकी और कौन सा मॉडल है? ये हुंडई सेंट्रो है, 2006 मॉडल है और क्लब है ये। अच्छा तो ये आउटर साइड इसकी शावर है? नहीं, तकरीबन 2-3 भी शावर हैं, बाकी सारी जेन्युइन है, 50-50 है, पुरानी गाड़ी है तो यही होता है, लेकिन आउटर साइड इसकी काफी फ्रेश लग रही है, न्यू लग रही है, इसलिए मैंने पूछा है। हां जी। तो बताइए इंजन की कंडीशन इसकी कैसी है? इंजन बेहतरीन है, जेन्युइन इंजन है। आप कौन से ओनर हैं इसके? फर्स्ट ओनर हैं या? मैं इसका फर्स्ट ओनर हूँ। आप फर्स्ट ओनर हैं जी, फिर तो क्या बात है, आपने इतनी पुरानी गाड़ी रखी हुई है, तो सेल क्यों कर रहे हैं? बस जापानी गाड़ी लेने का ज़हन है। नहीं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं जी। तो क्या डिमांड इसकी कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड 11.5 है, 11.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी मैकेनिकली गाड़ी फिट है, सस्पेंशन वाइज? ये बिल्कुल फिट है। एसी वगैरह चलता है? एसी चलता है इसका। एवरेज क्या आपको दे रही है ये? तकरीबन मुझे लाहौर के अंदर अंदर ये 16 दे रही है, लाहौर के अंदर। अच्छा लाहौर के अंदर आपको 15-16 एवरेज दे रही है, जबरदस्त एवरेज है। पेट्रोल पे ना? पेट्रोल पे। सीएनजी पे तो नहीं करवाई? नहीं नहीं, पेट्रोल पे। तो अपना फोन नंबर वगैरह आप बता दीजिएगा। मेरा फोन नंबर है 0308504043। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसकी लोकेशन कहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है? ये ठोकर नियाज बेग में ऑफिस मेरा वहाँ पे खड़ी होती है। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह। सो गाइज मैंने आपके साथ ये गाड़ी शेयर किया हुंडई सेंट्रो, इसकी इंटीरियर साइड में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लॉक कीजिएगा।
कि यहाँ पे आप लोग जो है ना इंटीरियर साइड में आपको दिखा देता हूँ, यार बिल्कुल ही फ्रेश लुक है, पोशी वगैरह इसकी बिल्कुल न्यू है। और उसके अलावा इंटीरियर से मैं इसकी जो आपको डैशबोर्ड की कंडीशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपके सामने है, यहाँ पर एसी वगैरह आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो दरवाजे की सीलें वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोग सारी कंडीशन, उसके अलावा जो छत की कंडीशन है वो भी आप लोगों के सामने है, अच्छी हालत में है। बकाया गाड़ी पुराना मॉडल है तो उस हिसाब से आपने ये देखना है। आप इसके इंजन की जो कंडीशन वगैरह वो देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसके कुप्पे वगैरह दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग खुद इसको देख लेना है, उसके बाद आप ये जज कर सकते हैं। तो गाड़ी अपने ओरिजिनल इंजन हालत में है। बकाया यहाँ पर बोनट की सीलें वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो तो आप ओनर के साथ रब्ता करके इसको परचेज कर सकते हैं। डिमांड और ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट कार आपके साथ आपका भाई शेयर करने वाला है संडे कार बाजार में, ये होंडा सिटी है। होंडा सिटी का पुराना मॉडल 2002 का मॉडल है और इसका रिव्यू शेयर करते हैं, इसके ओनर से पूछते हैं इसकी प्राइस वगैरह। बकाया गाड़ी की जो कंडीशन है वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इसके टायर्स और रिम देख सकते हैं, अलॉय व्हील लगे हुए हैं जो कि न्यू हैं। बकाया गाड़ी की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो अभी ओनर से जाकर बात करते हैं और आपको सारी जो है ना वो डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आप ओवरऑल गाड़ी की जो कंडीशन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सर वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपकी और कौन सा मॉडल है? होंडा सिटी है, 2002 मॉडल। ठीक हो गया। तो ये टोटल जेन्युइन है? नहीं, टोटल जेन्युइन नहीं है, पेंट है। पेंट है, आउटर साइड पेंट है, इनर से जेन्युइन है। ठीक होगा। तो इंजन इसका अपना है या चेंज है? नहीं जी, अपना इसका इंजन। ठीक हो गया। तो मैकेनिकली गाड़ी कैसी है? ठीक है, मैकेनिकल हम चला रहे हैं, हर चीज वर्किंग में है। ठीक हो गया। तो क्या डिमांड आप कर रहे हैं? सर 9 लाख रुपए डिमांड। 9 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है? सब क्लियर है। ये मेरे ख्याल से मुल्तान के नंबर पे रजिस्टर्ड है जी? मुल्तान नंबर। बायोमेट्रिक वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है? सारा कुछ अवेलेबल होगा, बायोमेट्रिक यानी कि लीगल जितने भी है वो जी, वो सारा कुछ कंप्लीट करके देंगे। कंप्लीट करके देंगे। तो इसमें तो कमी बेशी हो जाएगी प्राइस में? सर आप ऑफर दें, ऑफर की बात है, अगर ऑफर रिजनेबल होगी तो बिल्कुल जरूर हो जाएगी। सही है। तो उसके अलावा अपना फोन नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर लिख लें आप, 03214549501। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी की वैसे लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे खड़ी होती है? सर ये इधर एसकीटन के पास है। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। सो गाइस, मैंने आपके साथ होंडा सिटी 2002 मॉडल का रिव्यू शेयर कर दिया है। आप ओनर के साथ रब्ता करके इस कार को परचेज कर सकते हैं। इसकी इंटीरियर साइड भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप इसके डैशबोर्ड की जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोशेज वगैरह हैं वो तो उन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त लगवाई हुई है, न्यू। बंदा एक दफ़ा देखता है तो भाई पसंद आ जाती है गाड़ी। और यहाँ पर आपको इसकी जो छत वगैरह की कंडीशन है वो भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर दरवाजे की जो सीलें वगैरह वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके इंजन की कंडीशन देख सकते हैं, फिलहाल थोड़ा सा रफ है लेकिन ओरिजिनल हालत में है। यहाँ पर आप इसकी जो सीलें वगैरह वो चेक कर सकते हैं। तो भाई 2002 का मॉडल है, उस हिसाब से इंजन इसका जेन्युइन हालत में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुप्पे वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं, बोनट की सीलें वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। तो बकाया यार, अगर आपको ये कार पसंद आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर और प्राइस वगैरह मैं आपका शेयर कर चुका हूँ, आप ओनर के साथ रब्ता करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी यार ज़बरदस्त ऑप्शन है, मुझे लगता है होंडा सिटी बड़ी गाड़ी है, सेडान कार है, 2002 का मॉडल है, और इस प्राइस में आपको मेहरान भी मिलती है। अगर आप लोग इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोग होंडा सिटी एक बड़ी गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कार हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये सुजुकी स्विफ्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त है, जैपनीज़ कार है। इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं, और 2010 का मॉडल है। गाड़ी की जो कंडीशन है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। बकाया ओनर से जाकर पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है और क्या डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल है? ये सुजुकी स्विफ्ट है, 2010 मॉडल है, 1.3 DLX स्विफ्ट। अच्छा, ये फुल ऑप्शनल है ऐसे जी? ये फुल ऑप्शनल है जो स्विफ्ट में आती है? हाँ, जो सबसे टॉप वेरिएंट होता है ना। हाँ, वो आता है। अच्छा, ये जेन्युइन हालत में है? फुल जेन्युइन हालत, टोटल जेन्युइन है, टोटल जेन्युइन है। इसके अंदर आउटर साइड ऐसी है बिल्कुल, जिस तरह की थोड़े बहुत डेंटेज आप डेंट्स आप हुड पे देख सकते हैं जी, बट उसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं। और इनर से तो जाहिर सी बात है, इनर से तो आप देख लें। कितनी चली हुई है ये? 1,90,000 और ये देख लें आप। ठीक हो गया। तो आप इसके कौन से ओनर हैं, फर्स्ट ओनर हैं या सेकंड? गाड़ी अभी तक फर्स्ट पे है। अच्छा, फर्स्ट ओनर पे गया, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ये एवरेज आपको क्या दे रही है? अगर आप शहर में चला रहे हो और आप 3000 RPM से नीचे हो ना, तो ये गाड़ी आपको अच्छी एवरेज देती है, मतलब 15 से 18 के दरमियान। जापानी कार है ना, तो इसलिए हाँ, ये चीजें हैं। तो बकाया डिमांड आप क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड फिलहाल 17 है, लेकिन ऑफ कोर्स नेगोशिएशंस पॉसिबल होती हैं, यानी कि कोई बंदा अगर कांटेक्ट करता है तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है मौके पे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे क्लियर हैं? बिल्कुल ओरिजिनल है, वगैरह अवेलेबल है। बायोमेट्रिक का बायोमेट्रिक नहीं हुई? अच्छा, बायोमेट्रिक नहीं है, वैसे वो फाइल वगैरह और फाइल वगैरह ओरिजिनल, लीगल जो प्रोसेस है वो है सारा ओरिजिनल। तो उसके अलावा अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। फोन नंबर ठीक है, मैं आपको नोट करवा दूंगी, आप
425-7536। ठीक होगा। अच्छा ये गाड़ी खड़ी कहाँ पे होती है? ये जोहर टाउन एम्पोरियम वाली साइड पे। ठीक होगा, जोहर टाउन लोकेशन है, अगर कोई बंदा रब्ता करता है तो फिर ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये कार है सुजुकी स्विफ्ट, आपके साथ रिव्यू शेयर किया है, ओनर से बात किया है, उन्होंने आपको मुकम्मल डिटेल वगैरह प्रोवाइड किया है। बकाया यहाँ पर मैं आपको इसकी जो इनर आउटर साइड है वो दिखा देता हूँ, उसके अलावा आपको इंटीरियर साइड भी थोड़ी सी दिखाते हैं। यहाँ पर इसके अलॉय व्हील लगे हुए हैं, टायर्स और रिम्स की कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त है। और बकाया यार पसंद आती है तो आप ऑनर के साथ रब्ता करके दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी डील बना सकते हैं और इस कार को परचेज कर सकते हैं। इस कार आपके साथ शेयर करने वाले हैं संडे कार बाजार में, ये सुजुकी मैरान है और 2016 का मॉडल है। गाड़ी तो न्यू कंडीशन में, ज़ाहिर सी बात है नया मॉडल है तो कंडीशन भी इसकी न्यू होगी। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, काफ़ी लोग यार डिमांड करते हैं कि भाई मैरान वगैरह हमारे साथ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा आपके साथ मैरान का जो रिव्यू है वो शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी की कंडीशन वगैरह तो आप लोग देख सकते हैं, आउटर साइड आपको भाई आपको दिखा रहा है, VXR का वेरिएंट है। अभी ओनर से बात करते हैं और आपको सारी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल है? ये 16/17 है। ठीक होगा। VXR है, यानी कि AC वाला वेरिएंट। हाँ जी, AC वाला वेरिएंट। तो टोटल जेन्युइन है, इसमें साइडों पे हल्की माइनर सी टचिंग है, बाकी जेन्युइन है। बाकी जेन्युइन और इनर साइड पे टोटल जेन्युइन। हां टोटल जेन्युइन। तो AC वगैरह चलता है? AC चालू है। ठीक हो गया। कितनी चला लिया आपने? ये हमारे पास तकरीबन इसको हो गया साल एक हो गया, टायर बल्कि अभी 0 मीटर डलवाए हैं। अच्छा ठीक हो गया। 3-4 दिन ही हुए हैं। आप कौन से ओनर हैं इसके? थर्ड ओनर हैं। तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके साथ? हर चीज़ क्लियर। ठीक होगा। तो गाड़ी चलने में कैसे, कितनी एवरेज दे रही है आप? एवरेज इसकी है तकरीबन 17-18 किलोमीटर। 17-18 दे दिया है AC के साथ? AC के साथ। फिर तो जबरदस्त हो गया। और सस्पेंशन वाइज कैसी है, कोई काम वगैरह तो नहीं? कुछ भी नहीं, रुपया का काम भी नहीं है। यानी कि जिस बंदे ने खरीदनी है उसने चलानी है, पेट्रोल पाओ तो चलाओ, बाइक और लाइक। ठीक हो गया। तो डिमांड इसकी क्या कर रहे हैं आप? डिमांड इसकी भाईजान 11 कर रहे हैं, कमी बेशी कर देंगे। 11 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और कमी बेशी कर देंगे। ठीक हो गया। तो बकाया अपना फोन नंबर बता दीजिए। 0314-3328-775। ठीक हो गया। गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे होती है, खड़ी होती है? ये इधर ही आपको मिलेगी, लाहौर के अंदर समनाबाद में। नहीं इधर अपना वादद रोड पे खड़ी होती है। तो टायर आपने इसके न्यू डलवाए हैं? अभी डलवाए। ठीक होगा। बाकी तो गाड़ी आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो थैंक यू यार, आपके साथ सुजुकी मैरान का रिव्यू शेयर कर दिया है और ओनर ने डिमांड वगैरह भी बता दिया, अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया। अगर आपको पसंद आती है तो आप ओनर के साथ रब्ता करके इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड की कंडीशन है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। डोर की जो सीलें वगैरह वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल यार न्यू गाड़ी है, इतनी ज़्यादा चली हुई भी नहीं है और अप मॉडल है, तो उस हिसाब से पोशिश वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। टायर्स ओनर हमें बता रहे हैं कि इन्होंने फ्रेश न्यू डलवाए हैं, वो हमें नज़र भी आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यार अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ओनर के दिखे हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कार आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये सुजुकी कल्टस है। काफ़ी लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं और क्योंकि जाहिर सी बात है बजट में आपको एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है तो ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। कल्टस VXR का वेरिएंट है, यहाँ से आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं। और उसके अलावा आप इसके ओनर से बात करते हैं और आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्लाह पाक का। अच्छा कौन सी गाड़ी है आपकी और कौन सा मॉडल है? कल्टस है, 2010 मॉडल है, 11 का नंबर लगा हुआ है। 11 का नंबर लगा हुआ है, लेट नंबर क्यों लगवाया था? वो एक दफा हो गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा आप इसके पहले ओनर हैं? नहीं नहीं तीसरे ओनर है। तीसरे ओनर है, ठीक हो गया। तो गाड़ी आपने कितनी चलाई हुई है? 1,20,000। तो आपसे कितना टाइम हो गया आपके पास है? हमारे पास 2-3 महीने हो गए। अच्छा 2-3 महीने हो गए, ठीक हो गया। तो टोटल जेन्युइन है या कोई पेंट हुई गाड़ी सारी पर? अच्छा इनर साइड से जेन्युइन है जी। AC वगैरह चलता है? चल AC। ठीक हो गया। डिमांड आप क्या कर रहे हैं? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए फाइनल है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी? ठीक हो गया, कम कर देंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है? क्लियर है। अच्छा गाड़ी कहाँ पे खड़ी होती है, लोकेशन क्या है? ये बंद रोड पर, बच्चों के पास। ठीक हो, अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 03224757594। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर। तो गाइस आपके साथ सुजुकी कल्टस की डिटेल शेयर कर दी। आउटर साइड इसकी टोटल पेंट है, शावर है, इनर से जाहिर सी बात है जेन्युइन है। बाकी आपको इसकी जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इंटीरियर साइड आपकी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग AC वगैरह इसके अंदर चलता है और पोशिश वगैरह की जो कंडीशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर इसकी जो डोर की सीलें वगैरह वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बकाया आपने देख लेना है, जाहिर सी बात है जब भी गाड़ी बाय करनी है तो आप लोग चेक करके बाय कीजिएगा। तो इसके इंजन की कंडीशन वगैरह भी दिखा देते हैं। इंजन इसका जेन्युइन है? जी जेन्युइन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इंजन की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो
ये भाई सीन है। बाकी अगर आपको समझ में आती है तो आप ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं, आपको मैंने मुकम्मल डिटेल इसकी प्रोवाइड कर दी है और इस कार को आप लोग परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये टोयोटा करोला 2011 का मॉडल है और इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी की क्या डिमांड है और बताया यहाँ पर पूछते हैं। तो अभी इसके ओनर से बात करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल वगैरह सारी प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौन सी गाड़ी आपकी है और कौन सा मॉडल है? टोयोटा करोला XLi 2011 मॉडल है। अच्छा ये XLi है? जी जी। ठीक होगा, तो कितनी चली हुई है? ये सर चली है 3.5 लाख। ठीक होगा, तो आप इसके फर्स्ट ओनर हैं या आपने यूज में बाइक? यूज में ली है। ठीक होगा, तो आपको कोई आइडिया आप कितने ओनर हैं, कौन से वाले नंबर के ओनर हैं? चौथे नंबर पे हम। अच्छा चार नंबर ओनर है। ठीक हो गया, तो गाड़ी आपके पास कितने साल से है? एक साल से है। ठीक हो, तो गाड़ी चलने में कैसी है? अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। एवरेज क्या आपको दे रही है? एवरेज दे रही है 17। ठीक हो, 17 फिर तो काफ़ी ज़बरदस्त एवरेज है जी। तो ये एसी के साथ आप बता रहे हैं या विदाउट एसी? जी विदाउट एसी। विदाउट एसी, तो गाड़ी मैकेनिकली फिट है? जी फिट। कोई काम वगैरह तो नहीं या एक्सीडेंटल तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ठीक हो गया, तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड हम कर रहे हैं 21 लाख। 21 लाख रुपए, काफ़ी मुनासिब डिमांड आप लोग कर रहे हैं। तो ये इसमें और भी कमी पेशी हो जाएगी अगर कोई रब्ता करता है? मौके पे देखेंगे कोई आएगा तो। अच्छा इसके नंबर कहाँ का रजिस्टर है इसका? लाहौर। लाहौर के नंबर पे रजिस्टर है। ठीक हो गया, बायोमेट्रिक मौके पे सारा कुछ यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है? क्लियर है। तो ये आउटर साइड से शावर है या जेन्युइन है? नहीं साइड है, शावर है। अच्छा छत पिलर डिग्गी जेन्युइन है। ठीक हो गया, तो बकाया आपने फ़ोन नंबर बता दीजिएगा जी। 0301-1563-991। ठीक होगा, गाड़ी वैसे कहाँ पे खड़ी होती है, लोकेशन क्या है? कसूर। कसूर से आया है? ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप हमें इसका बोनट दिखा दीजिएगा ओपन करके ना। सो गाइस आपके साथ इसकी डिटेल वगैरह शेयर कर दी है, अभी आपको इसका बोनट वगैरह भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसकी इंजन की कंडीशन देख सकते हैं यार, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में इंजन है। और यहाँ पर आप इसकी सीलें वगैरह भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा आप बोनेट वगैरह की जो सीलें हैं वो चेक कर सकते हैं। XLi 2011 का मॉडल है। अच्छा GLi में आपने कन्वर्ट की हुई है? ठीक होगा, यानी कि वो थोड़े बहुत ऑप्शन ही ज्यादा होते हैं ना जी? GLi थोड़े बहुत ऑप्शन ज्यादा, अंदर से पावर की हुई है। ठीक है, यानी कि आप पूरे GLi वाले मजे आपने दिए हुए हैं गाड़ी को। ठीक हो गया, सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको इसका इंटीरियर साइड भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग इसका इंटीरियर साइड भी देख सकते हैं यार, काफी जबरदस्त कंडीशन में है, काफ़ी चमकाई हुई है ओनर ने गाड़ी। यहाँ पर आप लोग इसके डोर की सीलें वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। तो बकाया यहाँ पर डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है, स्क्रैचलेस है, पोशिश वगैरह इसकी बिल्कुल न्यू है, छत की जो कंडीशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यार काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज है, अगर आप लोग करोला की तरफ जाना चाहते हैं, XLi कन्वर्टेड टू GLi बाय करना चाहते हैं तो आप ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर दिया, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो हमें डिगी भी ओपन करके ओनर दिखा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ट्रंक वगैरह की जो सीलें हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यार जेन्युइन गाड़ी है, अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हैं तो ओनर के साथ रब्ता करके परचेज कर सकते हैं। इस कार आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये 2002 का कोरे है यार, काफ़ी पुरानी गाड़ी है। तो अभी मुझे सही से एग्जैक्ट पता नहीं है मॉडल कौन सा है, बाकी ओनर से जाकर बात करेंगे और आपको मुकम्मल डिटेल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसकी जो कंडीशन है वो साइड से देख सकते हैं। तो अभी इसके ओनर से बात करते हैं और आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप लोग इसकी बैक लुक भी चेक कर सकते हैं, दियासो कोरे। और बाकी यार पुरानी गाड़ी है, तो अभी इसके ओनर से बात करते हैं और पूछते हैं। सर वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कौन सी गाड़ी है आपकी और क्या डिमांड कर रहे हैं? कोरे है 4 मॉडल। ठीक हो गया, और डिमांड है 7,80,000। ठीक हो गया हाँ जी। तो एसी वगैरह चालू है? अच्छा पूरी गाड़ी जेन्युइन है। ठीक हो गया, एसी चालू है, पूरी गाड़ी जेन्युइन है और ये पावर विंडो है। ठीक हो गया, यानी कि आपने काम वगैरह करवाया हुआ है गाड़ी मुकम्मल? ठीक हो गया, तो 7,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, तो कमी बेशी हो जाएगी अगर कोई रब्ता करता है तो? रब्ता करेगा तो कर लेंगे। अच्छा अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 0300। ठीक हो गया, 4447-1596। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। सो गाइस आपके साथ ये गाड़ी शेयर की है दियासो कोरे है, अगर आपको समझ आती है, मुझे तो यार पुरानी गाड़ी काफ़ी लग रही है, तो बकाया आपने इस पर रब्ता कर लेना अगर आपको समझ में आती है तो। अच्छा नेक्स्ट कार शेयर करने वाले हैं ये सुजुकी मैरान है, 2006 का मॉडल है और गाड़ी की जो कंडीशन है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। ओनर से बात करते हैं और आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी की जो बैक लुक है वो भी आप लोग देख सकते हैं, VX का वेरिएंट है और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यार इसके अभी ओनर से बात करते हैं और आपको बताते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौन सी गाड़ी आपकी और कौन सा मॉडल? मेहरान है 6 मॉडल और 690। इसकी डिमांड है तकरीबन 2-3 पीस है इसकी।
अच्छा तो बाकी आउटर साइड से जेन्युइन है? हां बिल्कुल। इंजन इसका अपना है या इंजन? नहीं नहीं इंजन अपना है। अच्छा इंजन चेंज नहीं है? जी चेंज नहीं है। तो पुराना मॉडल है ना तो काफी लोगों ने। आप इसके कौन से ओनर हैं? मैं तीसरा ओनर हूं। तीसरा ओनर है जी जी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह इसके सारे क्लियर हैं? मुकम्मल मुकम्मल क्लियर है। तो इनर से भी जेन्युइन है? हां हां अंदर से भी जेन्युइन। ठीक हो गया। तो कितनी एवरेज दे रही है आपको? ये तकरीबन 17-18 दे रही है। 17-18 एवरेज में तो बड़ी जबरदस्त एवरेज है। तो इसकी डिमांड आप क्या कर रहे हैं? 6 डब्बे। तो कमी बेची हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी। ठीक हो गया। अपना फोन नंबर बता दीजिए। 0300-88-98-100। ठीक होगा बहुत शुक्रिया। अच्छा इसकी लोकेशन क्या है वैसे, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है? ये अपना राजपुर मोटर पे। ठीक होगा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये सुजुकी मैरान है 2006 का मॉडल है। अगर आपको पसंद आती है आप इसके ओनर के साथ रब्ता करके इस कार को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जो है ना वो देख सकते हैं लुक वगैरह, टायर और रिम्स की कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि व्हील कप वगैरह लगे हुए हैं। टायर तो तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छी कंडीशन में है। वो इसके जो इंजन की कंडीशन वगैरह वो देख सकते हैं यहाँ पर। गाड़ी की सीलें वगैरह आप लोगों के सामने हैं, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बकाया अगर आपको पसंद आती है तो आप इसके ओनर के दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कार को परचेज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट गाड़ी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये टोयोटा करोला XLi है। 2014 का मॉडल है, बड़ी गाड़ी है। मैंने सोचा इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि वैसे मेरी कोशिश होती है यार छोटी गाड़ियाँ आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अगर कोई बंदा डिमांड करता है कि कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ भी हमारे साथ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा XLi का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको इसकी जो फुल लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके ओनर से बात करेंगे और इसकी डिमांड वगैरह जानेंगे। तो अभी इसके ओनर से बात करते हैं और आपको सारी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा कौन सी गाड़ी है आपकी और कौन सा मॉडल है? 2014 मॉडल करोला XLi है। ठीक हो गया। तो ये कितनी चली हुई है? 1-10। आप कौन से ओनर हैं इसके? सेकंड ईयर थर्ड है। अच्छा सेकंड ईयर। आपने यूज में बाई की थी, कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या एवरेज दे रही है आपको? ये लॉन्ग पे देती है 15-16, लोकल देती है 12-13। अच्छा लॉन्ग पे आपको 15-16 दे रही है, लोकल में 12-13। ठीक है इतनी देती है एसी के साथ आप बता रहे हैं? ठीक हो गया। तो गाड़ी की जो कंडीशन है वो ओवरऑल कैसी है मैकेनिकली? मैकेनिकली फिट है, इंजन वाइज भी ऑल ओके है। इंजन में किसी किस्म का काम वगैरह तो नहीं हुआ? एक्सीडेंटल नहीं, नॉन एक्सीडेंट है। ठीक हो गया। तो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास सारे क्लियर है? बायोमेट्रिक वगैरह अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो इसकी डिमांड आप क्या कर रहे हैं? डिमांड 26.5 डिमांड करें। 26.5 लाख। ये कौन से रजिस्टर किस सिटी की है? ये लाहौर की है। लाहौर की रजिस्टर है, फिर तो बेहतर हो गया। तो गाड़ी की लोकेशन क्या, कहाँ पे खड़ी होती है? ये लाहौर शालीमार बाग। ठीक होगा। अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 0302-747-6628। ठीक होगा बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये टोयोटा करोला XLi 2014 का मॉडल है। इसकी जो कंडीशन वगैरह वो इनर साइड से भी आप लोग देख सकते हैं और इसके जो ओनर ने वो हमें सारी डिटेल वगैरह प्रोवाइड किया है। इसके अलॉय व्हील लगे हुए हैं, टायर्स की कंडीशन है वो नॉर्मल है। बकाया बैक से भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस साइड से भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ टायर्स और रिम्स की कंडीशन वगैरह। तो अगर आपको ये पसंद आती है यार इसके ओनर के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और इस कार को परचेज़ कर सकते हैं। कार आपसे शेयर करने वाले हैं ये होंडा सिविक 2002 का मॉडल है और गाड़ी ओनर ने काफ़ी यार चमकाई हुई है। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू तो बनता है भाई, आपसे शेयर करना फ़र्ज हो गया। तो भाई यहाँ से आप इसकी बैक लुक देख सकते हैं। बकाया इसके ओनर से बात करते हैं और इसकी जो डिटेल वगैरह वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी चलते हैं ओनर से बात करते हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। कौन सी गाड़ी आपकी और कौन सा मॉडल है? ये 2002 मॉडल है सिविक। ठीक फुल ऑप्शन है, 1.6 है। अच्छा यानी कि वो फुल ऑप्शन टॉप ऑफ द वेरिएंट है? जी टॉप, क्योंकि इसमें सनरूफ वगैरह भी है जी। तो गाड़ी आप फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है? नहीं ये थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर है। तो आपने कितना टाइम हो गया आपके पास? ये मेरे पास 3 साल हो गए। 3 साल से आप चला रहे हैं। आपने काफी माशाल्लाह चमकाई हुई है गाड़ी। बस शौक के लिए ली थी। ठीक होगा। तो आपने कितनी चलाई है ऑलमोस्ट तकरीबन, आपको कुछ आइडिया है? काफी चल गई है। काफी चल गई है। तो जेन्युइन है या शावर वगैरह है? ये शावर है। आउटर साइड इसकी शावर है, इनर से जेन्युइन? इनर से जेन्युइन। तो इंजन वगैरह इसका अपना है या चेंज वगैरह? नहीं इसका अपना है, जेन्युइन इंजन है। ठीक हो गया। तो डिमांड आप इसकी क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 15.5 लाख। 15.5 लाख रुपए। ठीक हो गया। तो गाड़ी की वैसे लोकेशन क्या है, कहाँ पे खड़ी होती है? ये एक बाल टाउन खड़ी होती है। ठीक होगा। अच्छा वैसे इंजन वाइज और मैकेनिकली गाड़ी फिट है, काम वगैरह तो नहीं है? A1 नहीं। एक्सीडेंटल तो नहीं है? नहीं एक्सीडेंटल। अगर कोई बंदा अपना मैकेनिक लेके आए और वो चेक करवा ले? ठीक हो गया। मौके पे मौके पे जो आपने प्राइस बताई इसमें भी कमी बेची हो जाएगी? मौके पे होगी। सही होगा। अपना फोन नंबर बता दीजिए। 0322-6060-933। ठीक होगा बहुत शुक्रिया सर। सो गाइस ये साथ होंडा सिविक का रिव्यू शेयर किया। इसकी जो इंटीरियर साइड है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इनर से गाड़ी ओनर ने हमें बताया टोटल जेन्युइन है। आप इसके डैशबोर्ड की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, आपको LCD वगैरह मिल जाती है, AC वगैरह इसका वर्किंग कंडीशन में। बकाया पोस्टर वगैरह की जो कंडीशन है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको डोर की जो सीलें वगैरह वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी समझ में आती है होंडा सिविक आप लोग बाय करना चाहते हैं
तो आप लोग इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अलॉय व्हील लगे हुए हैं, टायर वगैरह की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसके ओनर के साथ आप लाजमी से जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसको जो इंजन की कंडीशन वगैरह वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जेन्युइन इंजन इसका है और आप लोग यहाँ पर सीलें वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये गाड़ी समझ में आती है आप ओनर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और इस कार को आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इस कार आपसे शेयर करने वाले हैं ये हुंडई सेंट्रो है, 2007 का मॉडल है और इसकी जो कंडीशन वगैरह वो आप लोगों के सामने है। अभी इसके ओनर से बात भी करेंगे, क्लब है हुंडई सेंट्रो क्लब, 2007 का मॉडल है और इसके ओनर से बात करते हैं और आपको डिटेल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौन सी गाड़ी आपकी और कौन सा मॉडल है? सर ये 7 मॉडल है, क्लब है और क्या नाम है, टोटल जेन्युइन है, सिर्फ आगे के दो पीस टच होंगे। टोटल जेन्युइन है आउटर साइड, क्योंकि पुरानी गाड़ी है ना जी। तो आप इसके कौन से ओनर हैं? सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है, आपने कब से आपके पास है? मैं 2 साल हो गए। 2 साल से आपके पास है, तो आपने तकरीबन कितनी चलाई होगी? चलाई मैंने नहीं है, वाइफ चलाती है, मैं तो सिर्फ अच्छा, फैमिली, होम फैमिली, हाँ, होम फैमिली। तो इनर सर जेन्युइन है टोटल? जी जी टोटली जेन्युइन है। ठीक हो गया। तो बकाया एवरेज आपको क्या देती है? ये तकरीबन सर 15-16 जोन सी है ना देती है, लॉन्ग पे 16-15 इतनी देती है, छोटे रूट पे काफी हर गाड़ी कम देती है। तो एसी वगैरह चलता है? हाँ एसी चालू है सारा, हर चीज़ की है। कोई मैकेनिकली या कोई काम वगैरह? कोई 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 काम कोई सर। ठीक हो गया। तो डिमांड आप इसकी क्या कर रहे हैं? सर 11 लाख इसकी डिमांड है। तो इसमें कमी बेशी हो जाएगी? वो तो बंदा कार ही लेता है, डिमांड पर निर्भर करता है जो होती है। तो ये आपके अपने नाम पे है? जी मेरे नाम है। बायोमेट्रिक वगैरह अवेलेबल है? हर चीज़ में मेरे नाम है। लाहौर के नंबर पर जी। तो लोकेशन क्या है, कहाँ पर खड़ी होती है? सर ये अपना इधर से मुल्तान चुंगी पे खड़ी होती है। ठीक होगा, अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 0002-4348-981। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। आप हमें ये इसका इंजन दिखा दीजिएगा बोनट ओपन करके। तो यार ये ओनर के साथ बात किया, उन्होंने डिटेल वगैरह प्रोवाइड किया, आप इसकी फ्रंट से भी देख सकते हैं। तो अभी इसका जो इंजन की कंडीशन है वो भी आपके साथ, अब इसकी अच्छा CNG किट वगैरह आपने लगवाई? CNG किट लगी है, सिर्फ सिलेंडर रखने वाला। आपने यूज किया है कि नहीं की? नहीं नहीं यूज़ नहीं किया है। वैसे किट लगी है CNG अक्सर ना एवरेज तो अच्छी देती है लेकिन ना इंजन बड़ा इसका वो हाँ, उसका थोड़ा सा इंजन से में जाता है, काम पे होना पड़ता है, पेट्रोल पे कोई गल नहीं, उनके लिए होती है यूज, तो इतना मैकेनिकल को काम निकाला ही नहीं अभी तक ना। ठीक होगा। तो इंजन की कंडीशन यार आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी इंजन की सीलें वगैरह यहाँ पर कुप्पे वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो बकाया यार अगर आपकी समझ में आती है तो हुंडई सेंट्रो क्लब 2007 का मॉडल है, आप ओनर के साथ रابطہ कर सकते हैं, बैटरी वगैरह इसके अंदर न्यू इंस्टॉल है, तो आप ओनर के साथ रابطہ करके इस कार को परचेज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इसके जो है ना वो इंटीरियर साइड भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसकी जो इंटीरियर साइड है वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो डैशबोर्ड वगैरह वो काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, कोशिश वगैरह और डोर की जो सीलें वगैरह वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपकी समझ में ये कार आती है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं ओनर के साथ कॉन्टैक्ट करके, हुंडई सेंट्रो क्लब 2007 का मॉडल है। इस कार आपसे शेयर करने वाले हैं ये सुजुकी हाइपर है, 92 का मॉडल है और गाड़ी की जो कंडीशन वगैरह है वो आप लोग से शेयर करते हैं, ओनर से बात करते हैं। तो यार काफ़ी पुराना मॉडल मुझे मिला, मैं देख रहा था ये अगर कोई पुरानी गाड़ी मुझे मिले मैं उसका रिव्यू करूं, और फाइनली मुझे मिल गया। अभी इसका रिव्यू करते हैं, इसके ओनर से जाकर बात करते हैं और आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी और कौन सा मॉडल है? सर खैबर गाड़ी और 92 मॉडल है। ठीक हो गया, काफी पुरानी गाड़ी आपने रखी हुई है जी। तो ये शावर होगी आउटर साइड? बाहर से शावर है, अंदर से बाकी पैक है गाड़ी, सीलों में एक्सीडेंटल नहीं है। इंजन वगैरह इसका अपना है या? ओके इसका अपना, और काम हुआ इंजन का भी, सस्पेंशन हिस्से का काम हुआ है, बिल्कुल नई गाड़ी है ना, बिल्कुल न्यू गाड़ी चलती है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड इसकी 93 कर रहे हैं। तो फाइनल कितने? फाइनल जेन्युइन है और फर्स्ट ओनर के नाम पे अभी गाड़ी। अच्छा फर्स्ट ओनर के नाम पे, क्या बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि कितने तक फाइनल दे देंगे? फाइनल ये 70-75 तक दे देंगे, यानी कि 3.5 लाख के राउंड अबाउट आप दे देंगे अगर कोई बंदा कॉन्टेक्ट करता है। फाइनली फुल एंड फाइनल 3.5 है, 3.5 लाख से कम नीचे नहीं। ठीक हो गया। तो उसके अलावा इसकी जो ओवरऑल चलने में कैसी है मैकेनिकली? ओवरऑल मैकेनिकल फिट है। फिट है तो सीलें वगैरह इसकी ओके है, जेन्युइन है। एवरेज आपको कितनी देती है? 15-16। एसी वगैरह है या नहीं? एसी नहीं है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से इसमें कुछ लोगों ने तो लगवाया होता है, आपने नहीं लगवाया होगा? ओरिजिनल नहीं होता। ठीक हो गया। तो कहाँ पे खड़ी होती है ये? ये ठोकर के पास खड़ी है। ठोकर के पास, अपना फोन नंबर बता दीजिएगा। 0324415361। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है? ओके है, इसके ओरिजिनल है। तो इसका मेरा वो बायोमेट्रिक तो नहीं होता? ओके होता है। अच्छा होता है,
फाइल वगैरह ओके है सारा सर कुछ। रजिस्टर किस सिटी की है? ये लाहौर की है। लाहौर की रजिस्टर है, बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये सुजुकी हाइबर है, काफ़ी लोग इसकी डिमांड करते हैं पुराने मॉडल की, तो आपका भाई आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर चुका है। ओनर के साथ हमने बात किया है, उन्होंने हमें डिटेल वगैरह प्रोवाइड की है और मैंने आपके साथ सारी डिटेल वगैरह शेयर कर दी है। अगर आपकी समझ में आती है, आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो आप ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं।